इन्फॉर्मेशन पक्की है, आज ही होने वाली यह डील। कुछ लोग बाहर पहरा दे रहे हैं, अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले बाहर वालों को आराम से पकड़ते हैं, नहीं तो अंदर वाले होशियार हो जाएंगे। तो पहले बाहर वालों को सुला देते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या है। बॉक्सेस खाली? तो स्मगलिंग किस चीज की हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं स्मगलिंग का सामान लेके भाग गए वो लोग? बाहर कोई आया? और भी जयंती, तुम लोग बॉक्सेस चेक करो, हम लोग देखते हैं। अबे रुक, कहाँ भाग रहा है? अब बता क्या स्मगलिंग होने वाली है यहाँ पे, पर कौन है इसके पीछे? पूर्वी चैनती, इस पर नजर रखो। एम्बुलेंस को फोन करो। जयवंती, वो आदमी कहाँ? सर वो सर हमने उसे पकड़ के रखा था, वो चकमा देके निकल गए। सर एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, लाशों को भेजो फॉरेंसिक लैब, देखते हैं सालों के साहब क्या बताते हैं। जयवंती को उठाओ, उठाओ इसे। ठीक
जिसने भी ये किया ब्लास्ट करके उसने सारा सबूत मिटा दिया, और फिर जिससे कुछ पता चलने वाला था वो भी भाग गया और बेचारी जयवंती घायल हो गई। वही तो। हाँ सच, कैसी है जयवंती तबीयत? सर इलाज तो चल रहा है अभी भी, डॉक्टर का कहना है कि हालत काफी गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। Damn it. किसी भी हालत में उस गैंग वालों को पकड़ना ही चाहिए, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। या सलुंखे, जो लाशें मिली थी ब्लास्ट में से उससे कुछ पता चला, कुछ मिला? बस एक लाश की पॉकेट में से छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला है। हाँ। इस कोशिश में लगा हूं कि किसी तरीके से ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये है क्या, इस पे लिखा क्या है। बस एक काम कीजिए, आप लोग ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लीजिए। आइए बॉस। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? सचिन, जो कागज नष्ट हो गए हैं या पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं उन्हें पढ़ने की ये एक नई तकनीक है। यहां से रेज निकलेंगी, इस कागज पर जाएंगे और फिर इस कागज पर जो कुछ भी है वो हमें एनालाइज करके बताएंगे। और फिर इस पेपर की हर चीज अलग हो जाएगी, जैसे कि राख में से स्याही, और इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ था हमें उस कंप्यूटर पे दिखाई देगा। सालुंखे साहब, ये सब आप जो बोल रहे वो सीधे सीधे नहीं बता सकते क्या? हाँ बता सकते। फ्रेडी क्या है, ये जो कागज बर्बाद हो गया है इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ छपा हुआ है, ये मशीन हमें उसे पढ़ने में मदद करेगी। समझ में आ गया? आ गया समझ में। गुड। रेलवे टिकट है, मुंबई अहमदाबाद, कल की तारीख। मतलब सर ये आदमी कल अहमदाबाद जाने वाला था? हाँ सचिन, लगता तो ऐसे ही है। पता लगाना पड़ेगा ये क्यों किस लिए जा रहा था अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद ट्रेन। सामने खड़ी है, आप भी ना भैया, खामखा कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे सिमरन, कहीं भी जाना हो 5-10 मिनट पहले पहुंचना अच्छा होता है, इसलिए मैं जल्दी करता रहता हूँ। और रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिल जाए, कोई दूसरी बात हो जाए तो। लेकिन एक बात है भाई। अब क्या? मुझे भूख लग रही है। बेटा तोटू, अभी कुछ देर पहले तूने 1.5 किलो लड्डू और वो उतने सारे पोटैटो चिप्स खा लिए, वो सब हजम हो गया। अरे तो रास्ता इतना ऊपर खबर था, गाड़ी इतना हिल हिल के जा रही थी, तो हजम हो गया मेरा। अरे समोसा, समोसा, अरे समोसा, मेरी भूख और डबल हो गई, मैं जाके 10-12 ले लूं। कोई जरूरत नहीं है, वो तो क्या हो गया तुम्हें, अभी तुम घर से इतना खा के निकले थे फिर खाने की बातें कर रहे हो। अरे डॉक्टर कहता है कि मेरा हाजमा अच्छा हो गया तो मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो उसमें बुरा क्या है? अभी कुछ नहीं खाना है, पहले ट्रेन में बैठ जाते फिर खाते रहना। हाँ सही कहा तुम चिंता, चलो। परेशान हो गई हूँ। अरे गलती हो गई साहब, माफ करना। देखी चला करो तो, चलो
सॉरी। क्या हुआ? धक्का मारा मेरे को? ओ सुनो भाई साहब, मैं देख के चल रहा था, तुम आके टकराए मेरे बैगेज से। ये तुम्हारा लगेज है? ये? मैं इधर ही खड़ा था, हिला तक नहीं हूँ इधर, तुम आके मेरे से टकराए। तो हिल सकते थे ना, देखा नहीं मैं आ रहा था? अरे कहाँ से देखता भाई, मैं तो अखबार देख रहा था, तुम देख रहे थे ना, तुम्हारे पास तो दो दो आंखें हैं। बस अपना मुंह बंद करो वरना पुलिस को बुलाऊंगी। ए मैडम, मेरे को जानते नहीं कौन हूँ मैं, पुलिस से डरता नहीं हूँ, जो करना हो कर लो तुम। अच्छा तो पकड़िए, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। समोसा या कुछ लाओ खाने के लिए। तू क्या खर्चा पानी खाने को, टोटू को कुछ नहीं बोलना। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब आप चलिए मेरे साथ। क्या 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 होगा? अरे चलिए तो आप। मैडम कहाँ खींच जा रहे, सुनिए तो। सुबह सवेरे से इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए ये आदमी बेवजह हमसे लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा? शरीफ लोग देखे नहीं कि उलझ पड़े। भाई साहब क्या रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। फोन ले रहा हूँ, ट्रेन देख रहा हूँ, तू बीच में आ गया है। अरे भाई साहब क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई इसने शुरू की थी, मैंने नहीं। धक्का इसने मारा है। एक सेकंड, आप लोगों को ट्रेन पकड़नी है ना? पकड़नी है। अरे हम ट्रेन पकड़ नहीं जा रहे थे, ये आदमी बीच में आ गए। अभी अभी ट्रेन जाने का टाइम हो गया, आप लोग ट्रेन पकड़िए जाइए। अरे समोसा लेने का टाइम होगा ना? इसलिए छोड़ रहा हूँ, ट्रेन जाने का टाइम हो गया, वरना छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ये ट्रेन पकड़नी है, लेके चलो। चलिए आप लोग। देखिए डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत के बारे में हर घंटे रिपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज हर घंटे। ओके, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन था, बता रहे थे जयवंती की तबीयत अब भी नाजुक है, अगले 48 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस आदमी की लाश मिली वो शायद इसी ट्रेन से जाने वाला था, है ना? क्योंकि उसके घर से जो रूट मैप मिला है वो इसी ट्रेन के रूट का है। देखो दोनों स्टेशन के बीच में वो क्रॉस भी मारा है। सर निखिल छुपे हुए कैमरा से हमें पैसेंजर्स की फोटोज भेज रहे हैं सर। गुड सर, अब तक 35 लोगों की फोटो भेजी है उसने, उन सब फोटोज को हम अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मैच करके देख रहे हैं। क्या ये दो फोटोग्राफ्स मैच हो गए? हाँ सर, मनोज और अरविंद। मनोज और अरविंद, मतलब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। टीटी साहब क्या हुआ हमारे टिकट में? हमने तो बाकायदा फार्म वार्म भरकर टिकट निकलवाया था। दिक्कत कुछ नहीं है, एक्चुअली ये जो 55-56 नंबर सीट है आप दोनों से पहले किसी और के नाम में लॉट थी। आगे बैठ के बात करते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, सब देख लेंगे। टीसी साहब ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उसी एजेंट से टिकट लिया है, मैं पिछले कई सालों से उसी से टिकट लेता आ रहा हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले किसी ने देखा नहीं इसलिए पता नहीं आपको, अब इस बार देखा है तो बता रहे हैं। अब सीट में जिसका नाम है, जो इस लिस्ट में लिखा है वही बता रहे हैं, सब कंप्यूटराइज्ड है। सर ठीक से देख लीजिए ना, इसमें साफ साफ लिखा हीरा लाल, ये देखिए। अच्छा खासा इस ट्रेन में आकर खड़ा था और ये मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अक्सर कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इस चक्कर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। ये कंपार्टमेंट है आप सबके लिए, टिकट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए यहां बिठा देते हैं, बैठिए। और आपका नाम अरविंद? और मैं मनोज। हाँ मनोज, दिखा है टिकट है मेरे पास। और आपका नाम अरविंद? हाँ जी। अब दोनों यहाँ बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम दोनों की नई टिकट बनेगी, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे ओ टीसी भाई, अरे किधर जा रहे हो भाई, हमको कितनी देर से इधर बिठा के रखे हो, अभी अब बोला था ना सब ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा भाई? चिल्लाओ मत,
रेलवे का काम है, आराम से होता है। बैठो इधर, कोई दिक्कत है क्या इधर? अरे बहुत दिक्कत है, इतना बढ़िया हवा आ रहा है, बैठो ना इधर। हवा नहीं आ रहा, हमारा काम होना मांगता है। काम हो जाएगा ना, अभी एक तो गलत नाम से आया। अरे बैठो इधर, नाम से आया हमको भाई, हमारा टिकट हमारा है, क्या कर रहा है टीसी? तुम अपना काम करो भाई। बैठो मैं आ रहा हूँ। अरे जाओ जाओ अपना काम करो ना। काम क्या कर रहा है टीसी पता नहीं भाई साहब। देखो मेरा एकदम जायज टिकट है, जायज, फिर भी इतना परेशानी दे रहा है भाई, कमाल है यार। मेरा टिकट भी लेंगे? अरे आपका टिकट भी ले गया भाई, हमारा टिकट भी लेके गया। ये कहीं हम लोग का टिकट दूसरे को बेच तो नहीं देगा ये टीसी? अरे संभाल के, अरे टोटो कैसे? अरे ध्यान से, आराम से दिया। अरे संभाल के बैग। अरे अरे नीचे रख, कब सीखेगा तू? अरे यहां से डाल, जा जा भैया, जाओ आप अंदर। भाई साहब आपका उधर कुछ गिर गया है। अरे क्या भाई, काहे को इतना टेंशन ले रहे ले आप? रेलवे में ऐसा होता है भाई, सफर में सफर करना पड़ता है। तू अपने काम से काम रख। काम ही कर रहे भाई अब तो। क्या जा कह रहे आप? मैं भाई साहब अहमदाबाद जा रहा। अहमदाबाद? अरे बहुत अच्छी जगह है भाई, मैं भी काइट फेस्टिवल में गया था एक बार। अरे पर ये टीसी कहाँ रह गया भाई? आपको जाने का है? नहीं भाई साहब, मेरे को नहीं, आप जाइए। मैं जरा हाँ, आपका काम हो जाएगा। टीसी ने मुझे दूसरे कंपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया है। हाँ, वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, आप परेशान मत होइए। चाकू? मैं जरा अरे मैं टहल ले रहा हूँ, मैं कसरत कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे रोज 10,000 कदम चलने के लिए कहा है। अंकल डब्बे में क्या है? वड़ा पाव, डोसा, पराठा, क्या? मेरे डब्बे में सलाद है। तबीयत खराब है। देखिए मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ सलाद ही खाते हैं। नहीं सलाद खा रहे इसलिए मैंने पूछा कि तबीयत तो ठीक है। आपके डब्बे में क्या है? तो भूख लग रही है ना? बहुत बहुत भूख लग रही है। देखो अभी किसी स्टेशन पे कोई खाना बेचने वाला आएगा ना, तो तुम्हारे लिए कुछ ले लेंगे। पक्का? हाँ पक्का। वैसे भी मेरा छोटा भाई कितना पतला हो गया है। ये तुम ना इस तोते को बर्बाद करके रहोगे। हाँ? ये दुबला हो गया है,
ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। क्या? चलो उठो, चलो मेरे साथ। नहीं, चलो टहल के आते हैं। मुझे टहलना नहीं है। अभी तक तो अकेले टहल रहे थे जनाब, अब इसको भी टहलाएंगे। अरे भाई साहब बैठ जाइए आराम से, ये सब लंबा चलने वाला है, 10,000 कदम। मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान है। क्या? हाँ, ये पकड़ो। मैं तुम्हें टिश्यू दे रही हूँ, पहले अपने हाथ साफ करो। तुम्हें पता है गंदे हाथों में कितने कीटाणु होते हैं? इसीलिए कभी अकल नहीं आएगी। ये खुद भी तो अपना ख्याल रख सकता है, सब तुम ही बताओगी तो ये कब सीखेगा? भैया ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? बहना मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ इसका, मैं बड़ा भाई हूँ। बेटा मगर आप मर्द हो और मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे तो जब पेट में दर्द होता है, जब मुझे खाने को नहीं मिलता है, तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खाना है। रुको रुको रुको, मैं टिश्यू दे रही हूँ, रुको। ये लो टिश्यू लो। अरे हाँ साफ कर, सॉरी सॉरी। आप इधर बैठ जाइए। आप इस पर बैठ जाइए, ये आप इधर बैठ जाइए। अरे अरे टीसी साहब, मान लिया हमारे पास सही टिकट नहीं है। सही चीज है हमारे पास, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए ना, पैसा दिखा रही हूँ मुझे। आप मुझे रिश्वत दे रही हैं? इतने साल की ड्यूटी में किसी ने मुझे, मैं अगर आप लेडीज नहीं होती ना तो मैं नीचे फेंक देता आपको। अरे इतने नाराज हो रहे हैं आप? आपको बाद में देख लूंगा मैं, अभी हमारा टिकट क्या गया? आपका टिकट चिंता मत करिए आप मुझे। अरे जा इधर से, काम कर अपना काम कर। कब क्या पड़ रही है आप साहब? बात करने का तमीज नहीं है इसको भाई, पता नहीं किसने रख लिया इसको, गवर्नमेंट ने रख लिया। भाई साहब हमारे पास तो सही टिकट है नहीं, आपको क्यों लेकर आए टीसी साहब? अपने काम से काम रखो ना। अरे हम अपने काम से काम ही रखते हैं, हमें दूसरों से क्या लेने देना। क्यों भाई साहब काम रखा, इतना पूछ लिया तो इतना बिगड़ रहा, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? काम का बिगड़ रहा? अरे नहीं बताना मत बताओ फालतू में। बैठना ही नहीं यहाँ पर, कैसे कैसे लोग आ जाते, कितनी गर्मी है। अरे रे फैन चलेगा तो गर्मी नहीं लगेगी ना, कितनी गर्मी है। Thank you.
साहब मैं यहाँ बैठ सकती है? अरे विद्यार्थ बैठो ना भाई, आपका सीट। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आप जा कहाँ रही? सब अपना क्या है, ये ट्रेन जिधर ले जाएगी उधर चले जाएंगे। अरे क्या बात है, बहुत झूठ मारती है आप। सर इसमें लिखा है कि बकरा खुद ब खुद मेरे पास आ गया। जिधर ट्रेन ले जाए उधर चले जाए। इस आदमी के पास चाकू है और ये इसको मारने वाला है। क्या इधर ट्रेन ले जाए। सर सभी पैसेंजर्स की फोटोज मिल गई हमें। उन दो फोटोज के अलावा और कोई मैच मिल गए? हाँ सर, इन दो फोटोज के अलावा ये 10 फोटोज और मैच कर रही है, मतलब कुल मिला के 12 लोग। सर सचिन जरूर इनमें से कोई ना कोई तो उस गैंग के मेंबर्स हैं। सर हाँ, ट्रेन जल्दी क्रॉस मार्क पे पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि वहां पे क्या होने वाला है, कोई ड्रग डीलिंग या फिर किसी और तरीके की डीलिंग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उस ट्रेन में जितना भी सामान है, जितना भी लगेज है, सब चेक करना चाहिए। बस डर सिर्फ इसी बात का है कि ड्रग से ज्यादा खतरनाक कुछ और प्लानिंग ना हो। आपको क्या लगता है सर, ये मुजरिम किस तरह की प्लानिंग कर सकता है? वही तो जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए सचिन, जल्द से जल्द वही पता लगाना चाहिए। लेकिन प्लानिंग कुछ भी हो, ट्रेन में ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ट्रेन में मासूम पैसेंजर्स हैं और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी। भाई साहब आपके बैग में कुछ खाने के लिए होगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं, दादा मुझे बहुत भूख लग रही है, कब से बोल रहा चिपना होता है कि कुछ खाते हैं। छोटू मेरी समझ में नहीं आता तेरा ये पेट कैसे भरेगा, अब कुछ देर पहले तूने 1.5 किलो लड्डू और उतने सारे चिप्स के पैकेट खाए। ये खाने के लिए बोलते हैं, चलो। इनको भी अभी जाना था। सुनिए ना, मेरे साथ बाथरूम चलेंगे प्लीज? नहीं नहीं। अच्छा तो आपकी बेटी को भेज दीजिए। बहू है हमारी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मेरे साथ जरा बाथरूम चलो ना, क्या है ना उधर अजीबोगरीब लोग रहते हैं, बहुत अजीब लगता है। चलोगी? हाँ प्लीज। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा अच्छा, सास ससुर बैठे हैं तो शर्मा रही है। मैं अब जाऊं? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। सुन किसी से बात भी मत करना, अगर जरा भी मुंह खोला ना तो तेरे बाप को मार देंगे। बैठो इधर, अब इधर आओ। आप उधर बैठ जाओ। क्या टीसी साहब सब लोगों को ठूसे जा रहे हो, कोई सीट का इंतजाम करोगे कि नहीं? कर रहे हैं। वही तो, आखिर चल क्या रहा है सब, लाला के सबको भरे जा रहे हो, आखिर बात क्या है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये रेलवे का काम है, थोड़ा टाइम लगता है, सबका दूसरा नया टिकट बनेगा और कंप्यूटराइज है, वक्त लगेगा। और बैठो आप लोग, हवा खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, हम लोग को यहाँ बिठा के कहाँ जा रहे हो? सर पूरी ट्रेन में इतने लोग सस्पिशियस थे। जाके बैठो, टनल आने वाला, गिरिरा जाओगे, जाओ बैठ जाके जाओ। टनल?
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि क्या अभिजीत सर? सर क्या हुआ सर? कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। खून हाँ सर, ये खून कैसा? कुछ नहीं, वो थोड़ा घाव लग गया है। घाव? सर ये सर काफी खून निकल रहा है सर, मैं दया सर को बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दया को कुछ नहीं कहना, बिना वजह शोर शराबा हो जाएगा और मुझे भी सतर्क हो जाएगा, पता नहीं चलेगा प्लान का। सर आपको अगर नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। सर ये हुआ कैसे? वो अरविंद उसके ललित के पीछे गया तो चाकू मारने लगा और मैं और आप बीच में आ गए। हाँ। सर आप क्या करें? अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गए। अभी अभी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ। मैं उसको ढूंढ, तुम ललित पर नजर रखो, मैं देखता हूँ। सर सुनिए तो सर एसीपी सर ने क्या कहा बैग के बारे में? एसीपी साहब ने कहा कि वो गोलीबारी करने वाली गैंग ड्रग डीलिंग का काम भी करती है, उस बैग में ड्रग हो सकता है, हमें किसी तरह से उस बैग को चेक करना है। ये मेरी बहन यहाँ पे बैठी थी, कहाँ गई? वो तो बाथरूम गई है, लेकिन बहुत देर हो गई, लौटी नहीं वो अभी तक। देर हो गई? पंकज मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तुम यही रुको, मैं जाके देखता हूँ। सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। पानी सब पानी सब वो आदमी मिला अरविंद? नहीं वो, लेकिन मैंने उसकी फोटो सबके पास भेज दी है, किसी ना किसी को दिख जाएगा। सब सर आप आराम कीजिए, अब मैं किसी से फर्स्ट एड किट मंगवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में जाके बैंडेज लगा लिया, मैंने बांध लिया इसको। सर खून अभी भी आ रहा है सर। ये बंद हो जाएगा पूर्व में। सर तुम एक काम करो, तुम इन पे नजर रखो, मैं सब देख के आता हूँ। सर आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं आराम करने का टाइम नहीं है, तुम इन लोगों पर नजर रखो, मैं देखता हूँ। अब सर आप 5 मिनट आराम कर लीजिए, फिर आप जाइए। 5 मिनट ओके सर, संभाल के। श्रेया श्रेया दरवाजा खोलो, तुम ठीक हो? ये कहां चली गई? उस औरत ने तो कहा था कि वॉशरूम गई है। फोन कर लेता हूं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ये क्या चक्कर है?
ईयर रिंग और ईयर फोन, लगता उसे कुछ हुआ। पूर्वी का एसएमएस, अभिजीत सर को चाकू लगा, वो चाहते नहीं है कि आपको ये बात पता चले। अभिजीत, क्या हुआ? कैसे हुआ सर? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ यार, बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, पूर्वी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हें चाकू लगी है। सॉरी सर, आपका जख्म काफी गहरा है। चलो उठो। कहाँ? अगली स्टेशन पे तुम उतर रहे हो। पूर्वी, एम्बुलेंस को फोन करो और उसे कहो अगले स्टेशन पे आने के लिए। सर, नहीं नहीं, मैं कह नहीं चाह रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम ठीक नहीं हो, उठो। हेलो, एम्बुलेंस। यार, मैं तुम लोगों को छोड़ कर नहीं जा सकता, और इस हालत में मैं तुम्हें ट्रेन में रहने नहीं दूंगा। चलो। अरे, वीर बार बहुत है यार, ध्यान संभाल के यार। अभिजीत यार, तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ, अगर तुम खुद नहीं उठोगे ना तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। उठो। तुम्हारे आगे किसकी चली है? आजा, उठो। अरे यार दया, छोटा सा गाँव है यार, इसकी वजह से मिशन बीच में छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जो जरूरी है मैं वो कर रहा हूँ। अरे जरूरी ये मिशन है यार, तुम्हारा ठीक होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक ठीक है, समझ गया मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एम्बुलेंस में बिठा कर आऊँ। अरे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो। अरे यार, तुमसे तो जीतना ना बहुत मुश्किल हो गया है, तुम्हें किसी बात के लिए बनाना और भी मुश्किल हो गया। यार तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें खाली जीत कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। दर्द हो रहा है, चलो। यार ऐसे बीच में छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा यार। अब जी चिंता मत करो, पहले इस घाव का इलाज करो, फिर वापस आ जाना, फोन करना मुझे। ओके। मानोगे नहीं, ध्यान रखना, खतरनाक लोग हैं। चलो। फोन करता हूँ। हाँ। इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना कमाल का खाना बनाती है भाई साहब, मतलब आप तो पागल हो जाओगे अगर उसके हाथ का खाना खा लिया ना एक बार।
पागल हो जाओगे आप लोग सब लोग। डोसा, वड़ा, इडली, गुलाब जामुन, जलेबी और कड़ी। अरे कड़ी इतना अच्छा बनाती है भाई साहब, पता नहीं किससे सीखी है। आपको पता है उसके हाथ की अगर कड़ी आपने खा ली ना तो दो दिन तक आपके मुंह से और हाथ से उसकी खुशबू नहीं जाएगी। श्रेया का चश्मा। चटनी, क्या चटनी बनाती है? प्याज की चटनी बनाती है, खोपड़ी की चटनी बनाती है, और लहसुन की चटनी बनाती है, और वो शेजवान चटनी भी बनाती है। चाइनीज चटनी। मैं बाथरूम होके आती हूँ। अरे अभी तो गई थी ना, उस वक्त कोई अंदर था तो मैं वापस चली आई। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना है, जाओ। हाँ हाँ ठीक है। मैं जरा वो खाने पीने का देख के आता हूँ, क्या सिस्टम है। कैंटीन कैंटीन का कितना खाता है ये आदमी, 1.5 किलो लड्डू, 7 पैकेट चिप्स, अभी बीच में भी ना जाने क्या खा के आया, अब फिर खाने चले गया। दादा रुको रुको, मेरे साथ बात करो। तो तुम्हारे साथ ना 2400 घंटे का आया को छोड़ना चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे दादा जल्दी चलो, मैंने बहुत सारा ऑरेंज जूस पी लिया है। क्या बड़े हो गए तुम, हां क्या बात। अरे दादा ये लड़की मुझे बार बार यहाँ आने के लिए इशारा कर रही थी, और ये सिमरन के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या क्या जानती हो तुम सिमरन के बारे में? ये तो सिमरन का चश्मा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ है वो? वो मेरी मदद ही करना चाहती थी, इसीलिए मुझे यहाँ वॉशरूम के पास लेके आई। फिर क्या हुआ? हम बात ही कर रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक CID ऑफिसर, तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि क्या अचानक टनल आ गया और अंधेरा हो गया, और जैसे ही हमारी ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया मैंने देखा कि वो क्या क्या देखा, वो कुछ लोग उठी बोरी में बंद कर रहे थे। उसे चोट तो नहीं लगी थी? ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो बेहोश थी, लेकिन हाँ बोरी पे खून था। एक मिनट, आप अपने सीट पे बैठ जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ। सर श्रेया का कुछ पता चला? शायद श्रेया को पंकज, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, हमें पहले से ढूंढना होगा, दो लोग उसे बोरे में डाल के ले गए। बोरे में? सर कहीं वो लोग वो बोरा नीचे नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं। एक काम करो, पूरे ट्रेन को छान मारो, देखो श्रेया कहाँ है, मिलनी चाहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.